हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल श्री आर्ट गैलरी में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच में बीएचयू के बीएफए अर्थात बैचलर ऑफ फाइन और 2019 के एंट्रेंस टेस्ट पेपर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करूंगा। दोस्तों, क्वेश्चन पेपर बहुत ही प्रॉब्लम से मुझे मिला है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोगों को आंसर बताऊंगा। आप लोग अपने क्वेश्चनों को मिला लीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किया, जिससे मैं गेस कर सकूं कि कौन से स्टूडेंट अगले प्रैक्टिकल की तैयारी अच्छे से करना स्टार्ट कर दें। चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चनों को। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और जो भी दोस्त इस चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन है कि बसावन एक लघु चित्र बनाने वाला कलाकार है। दोस्तों, जो बसावन था यह मुगल शैली अर्थात अकबर के दरबार का प्रसिद्ध लघु चित्रकार माना जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर इज मुगल शैली। नेक्स्ट दूसरे नंबर का क्वेश्चन है कि विक्टोरियल मेमोरियल स्मारक स्थित है। दोस्तों, विक्टोरियल मेमोरियल स्मारक जो है ये कोलकाता में स्थित है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट तीसरे नंबर का क्वेश्चन है कि मिकी माउस एक हास्य कार्टून चरित्र है जिसे बनाया है। दोस्तों, मिकी माउस हाउस जो थी एक कार्टून हास्य करेक्टर होता है जो कि अक्सर आप लोग टेलीविजन पे देखते होंगे और इसको बनाया था वॉल्ट डिज्नीलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्मश्री पुरस्कार से प्राप्त रेत पर आकृति बनाने वाले कलाकार जिसका नाम है, जी दोस्तों भारत के नहीं बल्कि विश्व के एक फेमस रेड आर्टिस्ट अर्थात सुदर्शन पटनायक, जो कि उड़ीसा भारत से इनका संबंध है और ये भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजे जा चुके हैं, तो ध्यान दीजिएगा सुदर्शन पटनायक राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाँचवें नंबर का क्वेश्चन कि वाटर लिली श्रृंखला किसने चित्रित की थी। दोस्तों, वाटर लिली श्रृंखला जो थी ये क्लोद मोने की बहुत ही फेमस कृति है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सिक्स नंबर का क्वेश्चन है कि वान गॉग किस देश से हैं। तो दोस्तों, वान गॉग जो थे वो नीदरलैंड से इनका संबंध है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सातवें नंबर का क्वेश्चन है कि एक्रेलिक रंग एक रंग है। दोस्तों, एक्रेलिक रंग जो होती है वो जल में घुलनशील रंग होती है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट एट्थ नंबर का क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के पहाड़ियों के शीर्ष पर स्थित स्तूप को किस नाम से जाना जाता है। जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के पहाड़ियों पर जो बहुत ही फेमस स्तूप थी वो उसका नाम है सांची का स्तूप, जो कि भारत ने बल्कि विश्व लेवल पे सांची का स्तूप फेमस है और अक्सर दार्शनिक यहाँ पे आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हितोपदेश पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों, जो आपके ऑप्शन में दिया हुआ हितोपदेश, अक्सर दोस्त जानते होंगे कि ये हितोपदेश तो नारायण पंडित द्वारा लिखी की गई है, बट ऑप्शन में नारायण पंडित नहीं दिया है। तो दोस्तों, आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि जो राजा धवल चंद्र थे वो बंगाल के प्रसिद्ध मांडलिक के राजा थे और इन्हीं के आश्रयदाता में एक राजकवि थे जिनका नाम था नारायण पंडित। तो नारायण पंडित नहीं दिया है तो राजा धवल चंद्र दिए हैं और राजा धवल चंद्र के ही सानिध्य में हितोपदेश पुस्तक के लेखक हुए थे, इसलिए राइट आंसर इज राजा धवल चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतिम भोज किसने चित्रित किया था। दोस्तों, अंतिम भोज अर्थात लास्ट सफर लियोनार्डो द विंची की बहुत ही फेमस कृति है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजंता है। दोस्तों, अजंता जो है इस स्थिति के बारे में पूछ रहा है, तो अजंता जो है औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित बहुत ही फेमस गुफा मानी जाती है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिस्टाइन चैपल की छत किसने चित्रित किया था। दोस्तों, सिस्टाइन चैपल जो थी एक प्रसिद्ध गिरजाघर थी और इस गिरजाघर की छतों को जो भित्ति चित्रण किया था वो फेमस कलाकार माइकल एंजेलो ने चित्रित किया था, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम किंकर बैच एक प्रसिद्ध रहे। दोस्तों, राम किंकर बैच बंगाल के प्रसिद्ध मूर्तिकार माने जाते हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा स्थान चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। तो उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का जो स्टेट लखनऊ है ये चिकनकारी के लिए बहुत ही फेमस है, तो ध्यान दीजिएगा लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में धार्मिक त्यौहार गणेश चतुर्थी बड़े उत्साह से मनाया जाता है। दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पे बता देना चाहते हैं कि जो धार्मिक त्यौहार गणेश चतुर्थी है ये महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है। अक्सर स्टूडेंटों को कन्फ्यूजन होगा कि ये तो मुंबई में होता है, बट आपसे क्वेश्चन पुट अप कर रहा है कि किस राज्य में, मुंबई नहीं होगा, मुंबई एक शहर है और मुंबई शहर जो है महाराष्ट्र राज्य में बसा हुआ है और आपसे क्वेश्चन राज्य पूछ रहा है, इसलिए राइट आंसर इज महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का क्वेश्चन कि लोक कला नृत्य के रूप में बिहू को भारत का कौन सा राज्य मनाता है। दोस्तों, आसाम जो है ये बिहू लोक नृत्य के लिए बहुत ही फेमस ये नृत्य मनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। अक्सर क्वेश्चन
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कथक को माना जाता है। राइट आंसर इज कथक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में पुष्कर सरोवर के निकट स्थित मंदिर किससे संबंधित है। दोस्तों जो पुष्कर सरोवर है ये राजस्थान में बहुत ही फेमस है और इसी के निकट एक ब्रह्मा का मंदिर है जो कि भारत में सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मा का एक ही मंदिर माना जाता है। नेक्स्ट 19 नंबर का क्वेश्चन है कि आर के लक्ष्मण कौन है। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि आर के लक्ष्मण जो है भारत के प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट थे अर्थात व्यंग चित्रकार थे और इनका 2015 में निधन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलिफेंटा की गुफा में कौन से शिल्प की प्रधानता है। तो एलिफेंटा की गुफा जो है महाराष्ट्र में स्थित है और यहाँ के त्रिमूर्ति अर्थात शिव की जो मूर्ति थी त्रिमूर्ति, तो यहाँ पे स्कल्पचर अर्थात मूर्ति कला के लिए एलिफेंटा की गुफा बहुत ही फेमस मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन ग्राफिक कला का एक अंग है। आपके ऑप्शन में जो दिया हुआ है वो एचिंग जो है वो ग्राफिक कला का एक अंग माना जाता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोस्टर कलर की प्रकृति बताइए। तो जो पोस्टर कलर की प्रकृति होती है वो ओपेक होती है अर्थात अपारदर्शी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेम आधारित विषयों पर सर्वाधिक अंकन कौन सी भारतीय चित्र शैली में हुआ है। दोस्तों जो प्रेम आधारित विषयों का सर्वाधिक अंकन देखने को मिलता है वो पहाड़ी शैली की कांगड़ा शैली में देखने को मिलता है, इसलिए राइट आंसर इज कांगड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समकालीन भारतीय कला में शिल्पी चक्र आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ। दोस्तों ये भारतीय कला में जो शिल्पी चक्र आंदोलन का प्रारंभ होता है वो दिल्ली से होता है और इसकी बहुत ही फेमस ये शिल्पी चक्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से देश के दार्शनिकों ने अनुकरण के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। दोस्तों अनुकरण के सिद्धांत को अरस्तु ने प्रतिपादित किया था और अरस्तु यूनान अर्थात ग्रीक के प्रसिद्ध दार्शनिक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाथद्वारा शैली के चित्र कौन से राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों नाथद्वारा शैली राजस्थान से संबंधित है, राइट आंसर इज राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी एक कला पत्रिका है जो आपके ऑप्शन में दिया हुआ है मार्ग, इसलिए राइट आंसर इज मार्ग। ये बहुत ही फेमस कला पत्रिका मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑप्टिकल धरातल पर कौन से रंग का अस्तित्व नहीं होता। जो तो ऑप्टिकल धरातल पर सफ़ेद अर्थात वाइट रंग का अस्तित्व नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जातक कथाएं क्या हैं। तो दोस्तों अक्सर क्वेश्चन पुटअप होता है, जातक कथाएं जो थी बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं थी, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का क्वेश्चन कि कौन मूर्तिकार है। जो आपके ऑप्शन में बेस्ट ऑप्शन होगा वो नागजी पटेल एक प्रसिद्ध मूर्तिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर का क्वेश्चन कि पोस्टर का प्रारंभिक नाम क्या है। दोस्तों जो पोस्टर का प्रारंभिक नाम था उसका नाम था बिलबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बड़े अक्षरों को कहते हैं। दोस्तों आप लोग अक्सर इंग्लिश का न्यूज़पेपर जब आप लोग देखते होंगे तो वहाँ पे एक अक्षर बड़े में और उसके आधार से जो छोटे अक्षर लिखे थे, तो जो बड़े अक्षर लिखे होते हैं उसको अपर केस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस समाचार पत्र के एक कॉलम का पंक्तिमान होता है। दोस्तों आप लोग जो अक्सर न्यूज़पेपर देखते होंगे तो वहाँ पे कॉलम में किसी भी कोटेशन को दिया जाता है अर्थात न्यूज़ को पढ़ा जाता है वो कॉलम में होते हैं और कॉलम अर्थात ये न्यूज़पेपर वाले जो सेंटीमीटर में इसको नाप कर आपसे विज्ञापन में इसका स्थान लेते हैं और इसका जो एक कॉलम का पंक्तिमान होता है जो आपके बेस्ट ऑप्शन होगा वो 4.5 सेंटीमीटर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में छपने वाला पहले अखबार का नाम क्या था। दोस्तों भारत में छपने वाला पहले अखबार का नाम था बंगाल गजट जो कि कोलकाता से छपता था, बहुत ही फेमस था। 35 नंबर का क्वेश्चन है कि जो व्यक्ति विज्ञापन के लिए लिखता है, जी हाँ जो व्यक्ति विज्ञापन के लिए लिखता है उसको हम कॉपीराइटर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो या दो से अधिक अक्षर एक साथ मिलकर एक ही बॉडी में ढालने को कहते हैं, जी दोस्तों उसको हम लिगेचर के नाम से भी जानते हैं, राइट आंसर इज लिगेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर का क्वेश्चन है कि लोगो कहते हैं। लोगो बहुत ही फेमस होता है, किसी कंपनी या वस्तु के स्टाइल के नाम को ही हम लोगो के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाघ गुफा चित्रों पर किस शैली का प्रभाव था। दोस्तों बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित है और इस गुफा पर अजंता गुफाओं का ही प्रभाव देखने को मिलता है और बाघ की गुफा भी बौद्ध धर्म से संबंधित है और अजंता की गुफा भी बौद्ध धर्म से संबंधित है और बाघ की गुफा की खोज 1818 में डेंजर फील्ड ने किया था, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूवेबल टाइप किसके द्वारा आविष्कृत हुआ था। तो मूवेबल टाइप जॉन गुटेन बर्ग के द्वारा आविष्कृत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का क्वेश्चन है कि मधुबनी लोक चित्र किस राज्य का है। तो मधुबनी लोक चित्र बिहार राज्य का बहुत ही फेमस है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने निर्माण कहाँ प्राप्त किया था, तो गौतम बुद्ध ने जो निर्माण प्राप्त किया था वो कुशी नगर में प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था, तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन सारनाथ वाराणसी में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध कलाकृति श्रमिक की विजय, जिसको हम ट्रिम्फ ऑफ लेबर के नाम से भी जानते हैं, और इस कृति को निर्मित किया था भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार डीपी राय चौधरी ने। 44 नंबर का क्वेश्चन है कि महाराजा संसार चंद्र ने कौन सी चित्रशैली को प्रोत्साहित किया था, तो महाराजा संसार चंद्र पहाड़ी शैली की एक शैली थी कांगड़ा शैली, कांगड़ा शैली पहाड़ी शैली की उप शैली मानी जाती है, और इसी शैली को प्रोत्साहित किया था राजा संसार चंद्र ने, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर का क्वेश्चन कि भरत मुनि ने कलाओं के लिए कौन सा शास्त्र लिखा था, तो भरत मुनि ने कलाओं के लिए नाट्यशास्त्र को लिखा था, और नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने ही रसों की व्याख्या किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक भवनों का सही क्रम कौन सा है, तो दोस्तों जो बेस्ट ऑप्शन होगा कुतुब मीनार, फतेहपुर सीकरी और ताजमहल, ऐतिहासिक भवनों का सही क्रम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर का क्वेश्चन है कि गंधार कला की बौद्ध मूर्तियों पर किसका प्रभाव है, तो दोस्तों गंधार कला की बौद्ध मूर्तियों पर यूनानी अर्थात ग्रीक शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नव प्रभाववाद के जन्मदाता का नाम बताइए, तो नव प्रभाववाद के जन्मदाता का नाम था स्यूरेत, जॉर्ज स्यूरेत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर का क्वेश्चन है कि भीमबेटिका पर शोध कार्यों पर किस कला आलोचक द्वारा श्रेय था, तो दोस्तों ये भीमबेटिका की जो शोध कार्य किए थे ये V.S. वागाड़कर ने किया था, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है कि ऑप्टिकल का संबंध किसे है, तो ऑप्टिकल का संबंध जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो रे ऑफ लाइट अर्थात प्रकाश की किरणों से ही संबंधित है। तो दोस्तों ये रहे 50 क्वेश्चन, अगर किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आप लोगों को विथ प्रूफ आंसर प्रोवाइड करूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और जो भी दोस्त इस चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।